पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सरकार, मैंने आपसे कहा था मुझे बात करने दीजिए, आपने तो सब घुड़ गोबर कर दिया। और रही बात साईं और आपकी व्यक्तिगत लड़ाई की, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इन छोटी मोटी बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं यहाँ बड़े और बेहतर काम करने आया हूँ। महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। हम बस ये कहना चाहते हैं कि हम आपके बहुत काम आ सकते हैं। हाँ, सुना है कि आप कोई नगर बसाना चाहते हैं प्रेम नगर नाम से। ये नगर बसाने में हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। इस नगर को बसाने के लिए हम आपको जमीन दिलवा सकते हैं। अंग्रेज सरकार के बड़े अफसरों के साथ हमारे बड़े गहरे संबंध है, तो उन बड़े अफसरों के वरिष्ठ अधिकारी भी प्रेम सेना का हिस्सा है, क्योंकि उन्हें हमने किसी लालच से नहीं बुलाया बल्कि प्रेम से बुलाया। वैसे आपको कोई काम पड़े तो बताइएगा, लेकिन हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। हरिओम हरिओम। देख लिया बलवंत जी, हर तरह से सोचने का परिणाम। हरिओम हरिओम। शिरडी के हमारे पहले प्रेम सैनिक मिल गए। एक से भले दो, दो से भले तीन, और तीन से भले चार। साईं से भी मांग लिया, हनुमान जी से भी प्रार्थना कर ली, लेकिन पता नहीं कब हमारी मुश्किल सुलझेगी। मुझे साई पर भरोसा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो सीधे सीधे हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। ये श्रद्धा और सबूरी से क्या होगा, और कब तक हम इंतजार करेंगे? मुझे तो डर है कि इंतजार करने में ही कहीं मैं चल बसी तो भागशी की शादी कैसे होगी, या फिर इसकी उम्र निकल गई तो इसे शादी कौन करेगा? हार, क्या बात है, कोई खजाना लूट के लाए हो क्या? हाँ दोस्त, समझो कि दुनिया का हर खजाने से भी बड़ा खजाना एक सच्चे गुरु के रूप में। सच्चे गुरु मतलब साईं? नहीं, साई नहीं तो फिर कौन? साई अच्छे हैं, लेकिन कुछ भी देने में एक तो बहुत इंतजार करवाते, कुछ मांगो तो श्रद्धा और सबूरी कह देते हैं, और ऊपर से खुद ही मेहनत करवाना चाहते हैं। उन्होंने तो मुझे ये तक भी कह दिया था कि मेरी बांसुरी के सुर अच्छे नहीं है, मुझे और अभ्यास की जरूरत है। ये सुनकर मुझे तो अपने ऊपर से विश्वास ही हट गया था, लेकिन फिर मुझे सतेश्वर महाराज मिले। उन्होंने मेरी प्रतिभा को एकदम से पहचाना और मुझे अपनी सेना में बांसुरी वादक बन जाने के लिए आमंत्रित किया। अब वो मुझे बड़े बड़े अफसरों और व्यापारियों के आगे बांसुरी बजाने का मौका देंगे और मेरी कला को देश भर में पहुंचाएंगे। ये सतेश्वर महाराज कल ही शिरडी आए और इतनी जल्दी तुम्हें अपना शिष्य भी बना लिया? यही तो उनकी खासियत है काकी,
वो अपने शिष्यों को गुरु की तरह नहीं दोस्त की तरह मानते हैं। उन्होंने मेरा स्वागत ये सोने की माला और ये रेशमी वस्त्र देकर किया और ये बांसुरी भी दी। वो सबका स्वागत ऐसे ही करते और इतनी खुशी खुशी जैसे कि हम सब उन पर कोई एहसान कर रहे हो। महाराज मुझे आपसे अनुमति चाहिए। इसलिए? मेरी बहन की शादी है अगले हफ्ते। मैं घर जाकर उसकी शादी में रहना चाहता हूँ। शादी होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन याद करो प्रेम सेना में आते वक्त तुमने ये प्रतिज्ञा ली थी कि तुम अपने पुराने सारे रिश्तों को पीछे छोड़कर यहां आए हो, और प्रतिज्ञा तोड़ने वाले को भगवान पसंद नहीं करते हैं। अब ये सारे सैनिक ही तुम्हारा परिवार है, यहां सब तुम पर विश्वास करते हैं, इस बात को मानते हैं कि तुम इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। प्रतिज्ञा और भरोसा तोड़ना बुरी किस्मत को न्योता देने समान है। आओ मेरे साथ। आप सब खुद मेरे साथ चलकर देख लीजिए, वो आप सबका कष्ट दूर कर देंगे। नहीं नहीं मल्हार, साई को हम हमेशा से अपना गुरु मानते आए हैं, उनके सिवा किसी और के पास जाना ठीक नहीं लगता। गुरु मानना तो दूर की बात है। राज किरण, मैं कौन सा तुम्हें साई को त्यागने के लिए कह रहा हूं। मैं खुद साई को मानता हूं और हमेशा मानता रहूंगा, लेकिन अगर कहीं बाहर जाकर तुम्हारा भला हो रहा हो तो क्या साई मना करेंगे? सीधी बात है, साई कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी रखो, वो तो हम सभी रखते हैं, और हो सकता है कि सतेश्वर महाराज उसी श्रद्धा और सबूरी का फल हो। एक बार उनके पास जाने में क्या हर्ज है? चलने में तो कोई बुराई नहीं है, क्या पता हमारा काम बन जाए। हाँ तो कल सुबह चलते हैं उनसे मिलने। हाँ बहुत अच्छा रहेगा, मैं उन्हें बता दूंगा। जी चलता। बता देना। इन्हें देखो, ये वो सैनिक हैं जो हमें छोड़कर गए थे, कुछ थोड़े दिनों के लिए और कुछ हमेशा के लिए, लेकिन इनके घर पहुंचने से पहले ही इनकी किसी हाथ से या किसी और कारणवश मृत्यु हो गई। काश मैंने इन्हें रोक लिया होता या मैं इनके साथ चला गया होता। मैं इनकी मृत्यु का कारण अपने आप को मानता हूं, लेकिन शास्त्रों में भी यही लिखा है, प्रतिज्ञा और भरोसा तोड़ने वाले के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है, क्योंकि ऐसा करना पाप माना गया है। देखो तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन नहीं नहीं गुरुजी, मुझे आपके पास ही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। जल्दबाजी में हम अक्सर ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां से वापसी के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। ऐसी राह चुन लेते हैं जहां हमें नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।